गेम बहुत लंबा जाएगा लोला, बहुत लंबा। अब देखो 2020 मार्च में हमें असुर का पार्ट 1 देखने को मिला था, यानी कि लॉकडाउन से जस्ट पहले। एंड उस टाइम पे शो ने ऑडियंस के बीच एक अच्छी खासी हाइप क्रिएट की थी, जिसके बाद से सभी इसके पार्ट 2 के लिए बहुत बेसब्री से वेट करने लगे। क्योंकि सीरीज की स्टोरी, कैरेक्टर्स के मोटिव्स एंड इंडियन मैथोलॉजी से कनेक्शन इसे एक काफी यूनिक शो बनाता है। पर दुख की बात तो ये है कि अभी तक इस सीरीज को आए हुए पूरे 2.5 साल बीत चुके हैं एंड अभी तक हमें इसका पार्ट 2 ही देखने को नहीं मिला है। यानी कि वो शो जिससे इस प्लेटफॉर्म का इतना नाम बना, वो अभी तक इसके पार्ट 2 को ही लेकर नहीं आ पाया है, जो कि हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर देता है कि वूट जैसा प्लेटफॉर्म इस सीरीज को डिजर्व नहीं करता है। अगर नेटफ्लिक्स या प्राइम के पास ये शो होता तो कब का हमें इसका पार्ट 2 ही देखने को मिल जाता। क्योंकि आप खुद ही बताओ, पार्ट 2 की फिल्मिंग जनवरी 2022 में कंप्लीट हो चुकी है। जून 2022 में शो के लीड एक्टर अरशद वारसी ने कहा था कमिंग सून, पर घंटा कुछ नहीं आया। ना कोई टीजर, ना कोई अनाउंसमेंट और ना ही कोई पोस्टर, कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले शो के बारे में ऐसी उम्मीद थी कि जून या फिर जुलाई 2022 तक पार्ट 2 का पोस्ट वर्क कंप्लीट हो जाएगा, पर क्योंकि अभी तक शो के बारे में कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है, जो कि हमें इस बात की ओर हिंट कर देता है कि अभी भी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और बाकी जिस तरीके से सीरीज के बारे में रूमर निकल के आ रही है, तो उनके अकॉर्डिंग ये शो हमें इस साल 2022 में भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम से कम एक या फिर 1.5 महीना पहले हमें सीरीज का ऑफिशियल टीजर देखने को मिल जाता, या फिर एक पोस्टर भी। पर फिर भी अगर बात करें कि ये शो हमें कब तक देखने को मिल पाएगा, तो वो सब डिपेंड करता है दिसंबर पर। क्योंकि इस मंथ में शो के बारे में कुछ भी रिवील किया तो इसके आने की हाईली चांस बनती है जनवरी या फिर फरवरी में, वरना मार्च की बात तो इस सीरीज को पूरे 3 साल बीत जाएंगे। बाकी आप में से कौन कौन शो के पार्ट 2 के लिए वेट कर रहा है, तो नीचे #असुर सीजन 2 कमेंट करना मत भूलना।